हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद नेचर विद सुधांशु। आज मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मौसम बहुत ही अच्छा है और ये देखिए सनराइज कितना प्यारा लग रहा है। और इतने अच्छे मौसम में मेरे बैगन के पेड़ भी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो 2-3 दिन पहले थ्रिप्स हुए थे, बहुत भयानक थ्रिप्स हुए थे, जो कि बारिश के मौसम में, मतलब जब आसमान में बादल होते हैं तो थ्रिप्स का अटैक होता है, और अगर उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं किया गया, मींस उनकी उनको पूरी तरीके से बड़ा नहीं होने देना है और उसको पहले ही ख़त्म कर देना है, नहीं किया गया तो बहुत ही बुरा असर डालते हैं वो आपकी फसल पर या आपके बगीचे में होने वाले फ्रूटिंग पर। इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, एक पेस्टिसाइड बनाया जो मैंने पेड़ों में छिड़का। वो पेस्टिसाइड मैंने कैसे बनाया, चलिए देखते हैं। तो चिली गार्लिक स्प्रे बनाने के लिए हमें चाहिए चिलीज, गार्लिक, नीम ऑयल, लिक्विड सोप, विनेगर एंड जिंजर। रेसिपी जो मैंने दी है वो मैंने 1 लीटर पानी के हिसाब से दी है, बट मैं जो बना रहा हूँ मैं ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्लांट्स ज़्यादा हैं। इसमें मैंने ली है लहसुन की कलियाँ जो कि एक एंटी फंगल भी है। इसके अलावा मैंने लिया है अदरक और चिली। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं मैंने लिया है नीम ऑयल, लिक्विड सोप, विनेगर। इसको ग्राइंड करने के लिए मैंने लिया है, एक पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है एक मिक्सी जार या चटनी जार। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर में डालना है और एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। आप दरदरा पेस्ट भी बना सकते हैं, कैसा भी पेस्ट बना सकते हैं, मतलब इसको मिला के पीसना है। रीज़न बीइंग कि इसको पीसने से इसका जितना भी अर्क है वो पानी में आ जाएगा। इसके अलावा हम जो नीम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, नीम ऑयल ऑलरेडी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, कीटों को दूर रखता है। किसी भी तरीके के कीट हों, चाहे वो थ्रिप्स हों, चाहे वो मिलीबग हो, चाहे वो माइट्स हों, चाहे वो स्पाइडर्स हों, इन सभी को दूर रखता है। इसके लिए हमको इसको छानने के लिए चाहिए एक स्ट्रेनर। हमने सारी सामग्री को इस मिक्सर में डाल देना है और एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। विनेगर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, विनेगर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो ये बन के तैयार होगा सॉल्यूशन, तो उसको ये प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करता है और उसकी भी एक स्मेल से कीड़े दूर रहते हैं। तो पेस्ट बन के रेडी हो गया है, इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसको हम पानी के साथ मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम बची हुई बाकी सामग्री को भी इसी में मिला लेंगे, जिसमें हम डाल रहे हैं लिक्विड सोप। ये हम लिक्विड सोप में डिशवॉशर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड होता है। इसके अलावा हम डाल रहे हैं नीम ऑयल। नीम ऑयल में बहुत सारी एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ और कीटनाशक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं विनेगर टू, जो इस सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करेगा। 24 घंटे रखने के बाद इस सॉल्यूशन को एक स्ट्रेनर से छानने के बाद 50% वाटर, 50% इस सॉल्यूशन को एक स्प्रे बॉटल में भर के इफेक्टेड पेड़ों में हम स्प्रे करेंगे। इनको हम किसी भी तरीके के कीटों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और इससे इसको प्रिवेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।